वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। फीवर, आप सभी लोगों को साल में 2-3 बार फीवर आ जाता है। और फीवर में आप क्या करते हैं? भाई जवाब होता है, एक पैरासीटामोल खा ली या डोलो 650 खा ली और उसके बाद फीवर उतर गया। जबकि ये दवाइयाँ बहुत बुरे साइड इफेक्ट डालती हैं, आपके लीवर का पर बहुत बुरा असर होता है इसका, और हम जाने अनजाने में अपने शरीर के अगेंस्ट जाकर काम करते हैं सिर्फ इन टैबलेट को खाने के कारण। देखिए, फीवर क्यों आता है? सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि यह फीवर क्यों आया हुआ है। फीवर का कारण होता है जब हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया जो है वो अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या करती है बॉडी, उसका मल्टीप्लिकेशन रोकने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। एक सर्टेन टेम्परेचर पर वायरस का मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है और एक टेम्परेचर पर हमारी इम्यूनिटी बहुत हाईली एक्टिव हो जाती है। तो बेसिकली बॉडी टेम्परेचर बढ़ाकर क्या करती है, इम्यूनिटी को हाईली एक्टिव कर देती है और साथ ही ये जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन है उसको रोक देती है। अब हमने क्या किया, हमने एक डोलो 650 खाई और डोलो 650 खाकर अपनी बॉडी का टेम्परेचर गिरा लिया। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया किसने था? हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया था इम्यूनिटी ने। हमारी इम्यूनिटी ने, यानी कि हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसने हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया हुआ था ताकि हमारी इम्यूनिटी हाईली एक्टिव हो जाए और साथ ही ये जो वायरस है इसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाए। अब आपने क्या किया, एक टैबलेट खा के अपनी बॉडी का टेम्परेचर गिरा लिया, यानी कि आपने किसकी हेल्प की, वायरस की हेल्प की या अपनी बॉडी की हेल्प की? जी हाँ, आपने वायरस की हेल्प की, जिसके नतीजतन वो वायरस वापस से मल्टीप्लाई करने लगेगा और जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो फिर क्या होगा, आपको एंटीबायोटिक का कोर्स लेना पड़ेगा, 4-5 दिन तक आप बीमार पड़े रहेंगे और उसके बाद बहुत सारे साइड इफेक्ट, बहुत सारी वीकनेस के साथ आप ठीक होंगे और वो भी आपकी इम्यूनिटी जाकर उसको ठीक करेगी, तब आप ठीक हो पाएंगे। आज मैं एक ऐसा नेचुरल डोलो 650 आपको बताता हूँ, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दवाई के खाए हुए आप अपना फीवर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक हैंड टॉवल को गीला कर लेना है और गीला करके अपने सर के ऊपर रख लेना है, नॉर्मल पानी से गीला करके अपने सर के ऊपर रख लें। अब एक बाल्टी में गर्म पानी लेना है और उस गर्म पानी में अपने पैर घुटने तक आपको डुबो कर रख देना है उस बाल्टी के अंदर। इसके बाद चाय जितना गर्म पानी एक एक कप करके आपको, जैसे चाय पीते हैं, सिप कर करके पीते जाना है और ये तब तक पीना है जब तक कि आपको पसीना ना आ जाए। 2 से 3 कप पीते पीते ही आप देखेंगे कि आपको पसीना आने लगेगा और जैसे ही पसीना आएगा आपका जो फीवर है, जो बुखार है, वो उतर जाएगा। अब ये क्यों होगा, देखिए मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर किसने बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाया है हमारे शरीर ने, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने, हमारी बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया है। तो जब हमने गर्म पानी पीना चालू किया तो हमने किसको सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया अपनी बॉडी को, और जैसे ही हम अपनी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, बॉडी के पास सपोर्ट सिस्टम आ जाता है तो वो टेम्परेचर कम करने लगती है। 3-4 घंटे बाद हो सकता है आपको दोबारा से फीवर जैसा फील हो तो वापस से आपको वैसे ही चाय जितना गर्म पानी पीने लगना है। अब आप कहेंगे कि मैंने ये टॉवल सर पे क्यों रखी हुई है, देखिए एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, 104 के आसपास का जब टेम्परेचर हो जाता है तो उस वो हमारे ब्रेन सेल पर भी इफेक्ट डालता है। तो हमें क्या करना है, अपने जो सर के सेल है, ब्रेन के जो सेल हैं उनको ठंडा रखना है और बाकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देना है। आप 12 घंटे तक बस ये प्रयोग करें, आप बिना किसी डोलो 650 के, बिना किसी दवाई के, आप देखेंगे आपके शरीर से वायरस भी ख़त्म हो गया है और 2 दिन के अंदर तो कन्फर्म आपका पूरा वायरस भी ख़त्म हो जाता है और फीवर आना भी बंद हो। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो 9082130828 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए मिलना अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें। पॉज लेने की जरूरत नहीं थी, ले लिया, धन्यवाद।